हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं एमपीएसआई ऑल द क्वेश्चन सीरीज लेते आऊँ। यह हमारा 8वां लेक्चर है। अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब को शेयर करना। इससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन लिया है और 90 क्वेश्चन करवा दिए। ये मेरा 91 क्वेश्चन है, तो हम इसको हल करते हैं। ये तो क्वेश्चन में दिया क्या, अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। तो समय दिया था 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितनी सेकंड का समय लगेगा, राइट। तो इसको सॉल्व करते जो फार्मूला होता है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल क्या दिया है अपन को, 30 किलोमीटर। तो इसको हल करेंगे 5/18। ये अपन ने टाइम में कन्वर्ट कर दिया और इसको किलो क्या मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ आ जाएगा 100/ समय। समय तो अपन 30 से शो करते, ये तो जब सॉल्व करेंगे अपन 1031 से एंड 5 से यह 2 बार तक जाएगा, राइट। यह अपना 6 बार तक जाएगा। अब ये 3 इधर जाएगा और 2 × 6 इधर आएगा, राइट। तो अपना आंसर आ जाएगा 12 सेकंड। इसमें ऑप्शन में चेतन ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जो शहर है वो चमड़े के खिलौने के लिए जीआई टैग है। तो अब तो आंसर पता है, इंदौर है, तितमदर है, धार है, तथ्य इंदौर है। इंदौर प्रसिद्ध चमड़े के जीआई टैग, राइट। ये इंदौर है, इंदौर में कंपनी भी है ना, देवास में बोलते टाटा लेदर नाम से कंपनी, टाटा इंटरप्राइजेस। वहाँ चमड़े के बहुत सारे वो बनते लेदर थे, जाते जूते वगैरह, इसलिए इंदौर में फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि हम पहुँच गए हैं और ये क्या है, ए और बी ए साथ इसी ताम तो 10 दिन में खत्म करते हैं और बी अकेला उसी ताम, ए उसी ताम तो 3 दिन में खत्म करता है, तो बी अकेला उसे कितने दिन में खत्म करेगा। तो ये तारे तो इसको हल कैसे, देखो हल करना, ए बी ए ए प्लस बी। तो हम ये मान ले ए कितने दिन में, 3 दिन में खत्म कर, बी उसी काम तो 10 दिन में। हमें क्या करना है, इसको बोलते अपन दिन, क्या आता है दक्षता कार्य ना, दक्षता और फिर एफिशिएंसी। अब इसका जो एलसीएम निकालेंगे अपन 30 आएगा, 30 का इसमें भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, इसका देंगे 3, यानी दोनों तीते समय में कर रहे हैं 3 में, जो एफिशिएंसी है 3 है, राइट। और 8 × 8 है, तो इसकी एफिशिएंसी क्या होना चाहिए, 2। तो बच्चा तीता 3 − 1, तीता बच्चा 2। तो क्या 30 में 2 से भाग दे दो, तीता आ जाएगा अपना 15 आ जाएगा। तो आंसर आता बी वाला ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते अपन।
यह क्वेश्चन, क्या भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष, भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछ रहे हैं, तो वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोदी, महावीर त्यागी, के सिद्धांत भावी चानक। तो इसका आंसर है फर्स्ट केसी नियोदी, केसी नियोदी इसका फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, 25वां, क्या दिया, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, राजा भाई नेहरूजी, सी आर मुरलियान, आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो चारों तो भाग जीती है, लेते इसके जो संस्थापक हैं वो फर्स्ट है दादा भाई नेहरू जी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संस्था है उसके एसोसिएशन दादा भाई नेहरू जी है, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट तो इराक की मुद्रा क्या है, रबी, रियाल, रुपी, दिनार, राइट। तो इसका आंसर रियाल, क्या है रियाल, ईरान और ईरान की दिनार है, राइट। तो इसकी रियाल है ईरान की, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो यह निश्चित रूप आर ए सी टी ई टी, तो यह लिखा गया और इसको क्या लिखा जाएगा। देखो आर तो आत लिखा गया, आर तो क्या लिखा है उन्होंने, आत, ए तो वन, सी तो थ्री, के तो फाइव, ई तो टू, टी तो फोर। तो टी तो क्या लिखते हैं इंडिया अपन, फोर। आर तो क्या लिखा, एट, तो आर तो एट। ए तो क्या लिखा है उन्होंने, वन। सी तो क्या लिखा है, सी को तीन, और के तो क्या लिखा है, दो, के तो दो थी, हाँ पाँच। तो यह इसमें नजर आ रहा 4, 8, 1, 3, 5, इसमें नजर आ रहा, तो आपका आंसर तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ताज का मंदिर कहाँ है, ताज का मंदिर पूछ रहे हैं, इंदौर, ग्वालियर, मांडू या अमरकंटक। कांच का मंदिर इंदौर में, कहाँ पे है, इंदौर में, सही है ऑप्शन, इंदौर में कांच का मंदिर है। नेक्स्ट, रानी दुर्गावती राजकुमारी थी, रानी दुर्गावती वहां जीत प्रिंसेस गुजर में से कोई नहीं, चंदेल या परमार वंश थी। तो आपके पास सही आंसर है चंदेल, चंदेल वंश थी राजकुमारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार धरिया है जो 5, 6, 8, 9 सितंबर में अंतराल पे बचती है, तो सभी धरियों की समय ऐसा बचती हो कितने मिनट बाद, मतलब पूर्ण आवृत्ति हो। तो इसके लिए अपन क्या था, जितने भी धरिया होता है एल्शियम ले लो, क्या ले लो आप, एल्शियम ले लो। तो जब आप इसका एल्शियम लेंगे तो 2, 5, 3, 4, 9, फिर देखो ये कितना हो जाएगा, 10, राइट, 10, हाँ नौ, 10, 30, 30,
दस, 30, 30 और 36, तो ये आ जाएगा 36 इंटू थ्री, कितना हो जाएगा 36 इंटू थ्री यानी 6 3 18, यह हो जाएगा छ 6 3 36, 6 3 18 राइट, बच्चों और 10 और 1 0 इधर राइट। अब इसमें तय करो शहादते बाद दे दो, दे दिया अपन ने, कितना हो जाएगा 1 राइट, 1 आएगा बचे 4 तो 48, 5 से क्या हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 48, आता सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो आप प्लीज सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे नए नए नोटिफिकेशन आने के लिए बेल आइकन तो जरूर क्लिक करें। हाँ, आज के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं और दस क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहा हूँ।